वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने YouTube चैनल पे। आज हम करेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स का क्वेश्चन नंबर 51 आपके ही टेक्स्ट बुक से। ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर बता दूं मैं, ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछने के चांसेस आपके एग्जाम में हो सकते, बस एकाध मिनट में और बढ़ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली है क्या द बैलेंस शीट ऑफ एशियन लिमिटेड एज ए 31 अप्रैल 2021, आई थिंक वो मार्च होना चाहिए, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 इज दिया 6 लाख रुपए का, मतलब मुझे बताओ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमारे पास कितने हैं, क्या बता सकता है? टोटल 6 लाख का अमाउंट है और ईच 10 ईच डिवाइड कर दूंगा तो सर मुझे समथिंग को 60,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएगा। गॉट इट, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सिक्योरिटी प्रीमियम तुम्हें क्वेश्चन है 1,45,000, तो पहले से देके रखा हुआ है। इस अमाउंट को हम यूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए। फिर है हमारे पास जनरल रिजर्व 1 लाख का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों का हम यूज कर सकते हैं फॉर द क्रिएशन ऑफ सीआरआर। फिर डिवेंचर्स दिया हुआ है सर, फिलहाल तो यूज नहीं है, करंट लाइबिलिटी का यूज नहीं है। असेट साइड में फिक्स असेट है, इन्वेस्टमेंट अगर सोल्ड करने बोला तो कुछ देखना पड़ेगा, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। करंट असेट दिया, नीचे क्वेश्चन क्या बोला है? कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स टू बी बॉट बैक एंड द ऑफर प्राइस टू बी पेड ऑन द बायबैक। That means in this question, number of share buyback and offer price both are not given boss. दोनों भी नहीं दिया है, हमें दोनों निकालना पड़ेगा। ये question जो है offer price not given वाला है। मैंने basic lectures में को समझाया था और इसके सारे notes हमारे इस application पे available है। और अगर को पूरा full phrase पूरा syllabus पढ़ना अच्छे से without time wasting तो आप इसी application से पढ़ सकते हो एट रीजनेबल कॉस्ट में। इसमें टेस्ट सीरीज, बोर्ड क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन एंड चैप्टर वाइज में आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन सब कुछ कराया गया है, ठीक है। और उसके अलावा अगर तुम अगर वहां पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करके आप निकाल सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में, इसके भी लेक्चर्स अदर वे अवेलेबल है, ठीक है। सुनो अभी, सो ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। एज्यूमिंग दैट द बायबैक इज डन पास नेसेसरी जनरेटी ही खाली पास करना है, बैलेंस वगैरह नहीं बना, तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आपके पास आपका खुद का कैलकुलेटर होना चाहिए। आगे मेरा पास मेरा कैलकुलेटर, अब आपके पास भी आपका कैलकुलेटर होना चाहिए, कैलकुलेशन इसमें हो सकते हैं। सो एज पर दिस क्वेश्चन सर, ऑफर प्राइस नॉट गिवन वाला हमें फॉर्मेट पहले सॉल्व करना पड़ेगा, एज अ वर्किंग नोट बोल लो आप लोग, ठीक है। ये रहा ऑफर प्राइस नॉट गिवन का फॉर्मेट, जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, रटा है, जो भी तुम बोल सकते हो। जब तुम 10-12 क्वेश्चन करते हो ऑटोमेटिक याद हो जाए, तुमको बाहर करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। देखो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सर, सबसे पहले 25% ऑफ शेयर होल्डर फंड निकालना है। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस पेड अप वैल्यू, और देखो यहाँ पे पेड अप अनपेड अप कुछ नहीं बोलते, एज्यूम इट्स अ पेड अप वैल्यू। और पूरे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही शेयर है, वो है इक्विटी, कितने का? 6 लाख का। तो सर यहाँ पे सबसे पहला अमाउंट आ गया अपना शेयर कैपिटल में 6 लाख रुपए। प्रेफरेंस है नहीं तो जो था उसको ले लिया। रिजर्व अपने सारे काइंड ऑफ रिजर्व सब, जिसमें 1, 2, 3 टाइप के रिजर्व है। सो 1,45,000, 1 लाख और 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख, 95 समथिंग आ रहा है, चेक कर ले एक बार फिर भी। 1,45,000 प्लस 2,50,000 तो आ रहा है 3,95,000, 3,95,000 टोटल रिजर्व इन सरप्लस। क्या क्या मैंने इन दोनों को प्लस किया, देखो इसको सॉल्व करेंगे ना बहुत ही तरीके होते हैं अलग अलग, इन तीनों को प्लस किया, देखो इसको सॉल्व करने बहुत ही अलग तरीके होते हैं, बट एक फॉर्मेट जब सेम फॉलो करेंगे हर क्वेश्चन में तो कुछ मिस नहीं होगा और हमें याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए मैं हमेशा ट्राई करता हूं कि कोई भी चैप्टर पढ़ाओ, कोई भी चैप्टर पढ़ाओ, कोई भी सेम पढ़ाओ, एक ही मेथड में पूरे चैप्टर में अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज को। ओके, अब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा, तो 6 लाख प्लस साफ साफ है 9,95,000 होगा सर ये। बट ये क्या मिला है, ये मिला है टोटल शेयर होल्डर फंड, मुझे इसका 25% निकालना है। सो 9,95,000 का 25% इज इक्वल टू 2,48,750। ये हमारा फर्स्ट आंसर है, वह सेकंड निकालना है, वह थर्ड निकालना है, फिर तीनों का बीच में लोवेस्ट जो निकलेगा वो तुम्हारा बनेगा टोटल बायबैक अमाउंट। ओके, सो मिनिमम ओन फंड के लिए चाहिए पहले टोटल शेयर होल्डर फंड जो ने पहले से निकाल के रखा है, ये 25% वाला अपने को 100% वाला चाहिए जो सर ये है 9,95,000। फिर 50% डेप्ट, हाँ अब यहां पे जरूरत पड़ेगा अपने पास डेप्ट में, डिवेंचर्स एंड लोन, यस इस क्वेश्चन में सिर्फ डिवेंचर्स दिया है, 7 लाख दिया है, हमें 7 लाख नहीं चाहिए बॉस, हमें 7 लाख का 50% मैं लिख देता हूं यहां पे, चलो 7 लाख का मुझे 50% चाहिए जो बनेगा 3,50,000। यस सर नो, यस सर नो,
अब फॉर्मूला क्या बोलता है सर, टोटल शेयरहोल्डर फंड में से 50% डेप्ट को माइनस कर दो, तो सर 9,95,000 माइनस 3,50,000 समथिंग को 6,45 आ रहा है, 6,45,000 आ रहा है। ये फर्स्ट है क्या, सेकंड है क्या, थर्ड क्या, टोटल रिजर्व सरप्लस हमने ऑलरेडी बता चुका हमें, देखो हमने करके रखा ऑलरेडी रिजर्व सरप्लस यहां पे 3,95,000। ओके, अब इन तीनों में से लोवेस्ट उठा लो सीधे तो वो बायबैक अमाउंट मिल जाएगा। लोवेस्ट सर डेफिनेटली सर 3 लाख नहीं, 6 लाख नहीं, यही है। तो टोटल बायबैक अमाउंट हमें मिल गया है वो है 2,48,750 रुपीज। अभी तक जो चाहिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करने वो तो मिला ही नहीं, अभी तक वर्किंग नोट कर रहे हैं। ये हमने क्यों निकाला, ताकि नंबर ऑफ शेयर और ऑफर प्राइस बायबैक का पता कर सके उसके लिए। चलो फिर आगे बढ़ते थोड़ा सॉल्व करते। अब देखो नंबर ऑफ शेयर बायबैक निकाले, फॉर्मूला क्या है, 25% ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो हमारे पास है। हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्वेश्चन में दिया नहीं, बट हमने पता कर लिया ना 6 लाख का टोटल अमाउंट है, 1 शेयर ₹10 का है, तो नंबर्स कितना हो जाएगा सर, डेफिनेटली 60,000 सर। कितना हो जाएगा, 60,000 शेयर हो जाएगा। ठीक है, 60 कैसे आता है, यहां लिख के दे दूं मैं चाहिए तो सर, 6 लाख टोटल अमाउंट है डिवाइड बाय 1 शेयर जो है ₹10 का है, तो कट कर देंगे बचा सर 60,000। ठीक है, मल्टीप्लाई 25% कर दोगे तो आपको नंबर ऑफ शेयर बायबैक मिल जाएगा सर। तो 60,000 मल्टीप्लाई 25% जो आ रहा है 15,000, दैट इज 15,000 शेयर जो है बायबैक होगा। ये आपका बायबैक, हमारे पास 60,000 शेयर है, बट 60,000 में से हम 15,000 शेयर का फंड रिफंड करने वाले, बायबैक करने वाले। ओके, अब निकालना है ऑफर प्राइस। देखो टोटल बायबैक अमाउंट मालूम पड़ चुका है सर, 2,48,750 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जस्ट अभी निकाला हमने 15,000। इसको डिवाइड करोगे तो आपको आपका ऑफर प्राइस मिल जाएगा जो 2,48,750 डिवाइड बाय 15,000। कुछ पॉइंट्स मारे तो लेट्स क्रॉस वेरीफाई, 2,48,750 डिवाइड बाय 15,000 ये आ रहा है 16.58 आ रहा है। ठीक है, लेट्स क्रॉस वेरीफाई एक बार देख लेते। देखो इन्होंने भी वही सॉल्व, कुछ वही सॉल्व किया हुआ है, 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स आ गया है। ठीक है, और ऑफर प्राइस, ऑफर प्राइस ये रहा 16.58। देखो क्लियर है बॉस। ठीक है, अब देखो मैं एक बात कहूंगा आपको ना, इसको डिवाइड कर देना, डिवाइडेंसेस दो पार्ट में इसको अलग अलग कर देना कि हमारे पास हमारा जो फेस वैल्यू वो कितने का है, और अब हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम जो हम एक्स्ट्रा पे करने वो कितना हो जाएगा। देखो हमें मालूम है सर कि क्वेश्चन में फेस वैल्यू जो है ₹10 है। ठीक है, ये ₹10 है, तो बताओ प्रीमियम कितना होगा सर। डेफिनेटली अगर 16.58 में से ₹10 फेस वैल्यू है तो 6.58 क्या बन जाएगा अपने लिए, सिक्योरिटी प्रीमियम। इज दैट क्लियर, समझा। देखो जितना क्वेश्चन हो तुम इजी कर सकते हो उतना इजी कर लेगा, पहले वर्किंग में सब कुछ मैंने रेडी कर दिया। अब चलूंगा मेन आंसर सर जर्नल एंट्री में। ठीक है, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट अपना रेडी है, सबसे फर्स्ट एंट्री होता है फुली पेड। इस क्वेश्चन फुली पेड करने की जरूरत ही नहीं होगी, पहले से फुली पेड है, नहीं होता तो कुछ क्वेश्चन लिख के दिया होता, नहीं दिया तो वी अज्यूम सर फुली पेड। अब डायरेक्टली बायबैक ड्यू करेंगे, बायबैक ड्यू सर प्रीमियम में, ये देखो हमने डिस्कशन कर लिया यहां पे, तो प्रीमियम में ड्यू है तो बोलो एंट्री फटाफट क्या आएगा, बोलो एंट्री याद है कि नहीं याद है, नहीं आया तो अभी भी कहूंगा यार फटाफट बेसिक जैक कर लो, तो आपको 3-4 सम करते करते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा सर। एंट्री है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और प्रीमियम ऑन प्रीमियम भी है ना बायबैक के टाइम पे सर, तो आएगा प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट। ये सब पैसा हम देंगे सर अपने इक्विटी शेयर होल्डर को, सो इसलिए होगा टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नरेशन क्या था, कोई बताएगा नरेशन क्या बनेगा, तो सर नरेशन आएगा बीइंग, बोलो 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 क्या बनेगा, बोलते रहो रे तब याद होगा तुम लोग, ऐसा नहीं चलेगा ना, बीइंग बायबैक ड्यू एट प्रीमियम। जो नोट्स के अंदर मैंने हेडिंग आपको दिए ना, वही तुम्हारा नरेशन है यहाँ पे। ये एंट्री नंबर वन है। अमाउंट कैसे निकलेगा, हमें मालूम पड़ चुका नंबर ऑफ शेयर बायबैक्स 15,000 है, फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम 6.58 है। देखो सबसे पहले यहां पे आएगा, मुझे मालूम है कि सर नंबर ऑफ शेयर 15,000 है, 15,000 है और 15,000 है नंबर ऑफ शेयर्स।
मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, शेयर कैपिटल इज ऑलवेज रिकॉर्डेड ओनली फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू सर क्वेश्चन में 10 रुपीज है तो मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, और ये सर मल्टीप्लाई 6.58 है एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला पार्ट, ये देखो ये वाला, ठीक है। अब टोटल टोटल हम होल्डर का पे करेंगे सर 16.58, आप ये मल्टीप्लाई करो या फिर इनका आंसर है प्लस करके लिख दो, दोनों तरीका सही रहेगा आपके लिए। ओके तो आंसर निकाल ले, तो 1,50,000 ये 15 मल्टीप्लाई सर 1,50,000 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो 15,000 मल्टीप्लाई 6.58 समथिंग कुछ 98,700, इसको प्लस कर दिया जाए 150 के साथ में तो 2,48,700। इफ यू वांट देन आप ये मल्टीप्लाई चेक कर लो, वही अमाउंट आएगा, और देखो क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए बाय बैक अमाउंट वही अपना 2,48,750, उतने तो बाय बैक अमाउंट करना है ना अपने को। चलो फुली पेड का एंट्री करना था नहीं सर, बाय बैक ड्यू करना था एट प्रीमियम वो कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन कोई फ्रेश इशू आई थिंक नहीं है, नहीं है कोई फ्रेश इशू भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी नहीं है सर। अरे वाह, डायरेक्टली क्या करेंगे अभी सर हम लोग CRR क्रिएट करेंगे, फ्रेश इशू तो है ही नहीं, मतलब मार्केट से हमने कोई फंड रेज ही नहीं किया है, मतलब सर जितना अमाउंट है ना इधर इक्विटी शेयर कैपिटल 1.5 लाख, उतने पूरे अमाउंट का हमें CRR क्रिएट करना पड़ेगा। अदर ने बताया था मैंने आपको कि सर जितना ड्यू है माइनस उतना, जितना ड्यू है माइनस फ्रेश इशू, फ्रेश जीरो है, ड्यू कितना है सिर्फ फेस वैल्यू 1.5 लाख है, तो 1.5 लाख का सर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो पहला हमेशा की तरह प्रॉफिट लॉस यूज करूंगा सर, 1.5 लाख गरज है और 1.5 लाख रखा भी अकाउंट में, काम बन जा रहा है इजिली, ठीक है। तो चलो फिर सीआरआर का एंट्री बता दो, बोलो क्या बनेगा सर सीआरआर का एंट्री। सर यहाँ पे रिजर्व में हम प्रॉफिट एंड लॉस यूज करने वाले हैं, तो इसलिए एंट्री बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं सीआरआर का, बट प्लीज आप लोग फुल फॉर्म लिखना, ठीक है, टू सीआरआर अकाउंट एंट्री नंबर। सेकेंड है कितना अमाउंट आएगा सर, पूरा 1.5 लाख की जरूरत है, तो यहां भी 1.5 लाख और हमारे पास प्रॉफिट लॉस में 1.5 लाख है भी, नहीं होता तो कोई और रिजर्व में से पैसा यूज करते हम लोग। नरेशन बनेगा सर बींग CRR created out of free reserve, is that clear? समझा आगे बढ़े। ओके सर चलो, तो सर बायबैक ड्यू हो गया, इन्वेस्टमेंट सोल्ड था नहीं, फ्रेश इश्यू है नहीं, CRR क्रिएट कर लिया, अब सर प्रीमियम वन बायबैक एडजस्ट करना है। और हाँ सर इस क्वेश्चन करना पड़ेगा क्योंकि देखो ना हम एक्स्ट्रा पे करने वाले 98,700, तो प्रीमियम एडजस्ट करने एंट्री होता है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, अगर पैसा कम पड़ा तो फ्रीज अकाउंट भी डेबिट होगा टू प्रीमियम बायबैक। पहले चेक करो कि हमें जरूरत कितना है, कितना हमारे पास जरूरत है 98,700 और हमारे पास पहले से सर 1,45,000 बहुत है, काफी है, सफिशियंट है। चलो एंट्री कर देते सर, सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करेंगे, ये लाइबिलिटी है इसको यूज कर रहे, इसका कम होगा तो सर डेबिट होगा क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, कम होगा डेबिट करेंगे। एंट्री लिखवा के तुमको दिया भी है अगर तुमको कॉन्सेप्ट नहीं समझता है तो। तो सर डेफिनेटली एंट्री बनेगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट, ठीक है। एंट्री नंबर थर्ड है, नरेशन क्या आएगा सर, हम क्या कर रहे हैं, हम किस चीज का एंट्री कर रहे हैं सर, बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक एडजस्टेड, बहुत ही सिंपल तरीके से, स्वीट एंड सिंपल बॉस। अमाउंट सर जितना जरूरत है उतना, जरूरत कितना है 98,700 है, कितना हमारे अकाउंट में बहुत है सर, नहीं जरूरत है जितना जरूरत उतना ही, दैट इज 98,700 यहां पर भी और 98,700 यहां पर भी, डन। आखिरी एंट्री, किसी कोई बोनस शेयर्स नहीं है और कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली पेड का एंट्री करेंगे सर, किसको पेड करेंगे, फाइनल एंट्री जो है सर पे करेंगे हम इक्विटी शेयर होल्डर को सर, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट पे करूंगा सर, पैसे
बैंक बैलेंस जाएगा या कैश बैलेंस जाएगा। मोस्टली अगर आप सब जगह बैंक में इसको तो बेटर रहेगा बायबैक में, ठीक है। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बोलो ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर बैंक से पैसा जा रहा है इसलिए हमने क्रेडिट डाल दिया, ओके, या फिर बैंक इज गिवर बोल सकते हो। तो नरेशन में आ जाएगा बींग क्या बायबैक अमाउंट पेड, क्या अमाउंट, तो जितने से क्रेडिट हुआ रहेगा होल्डर उतने से डेबिट होगा, दैट इज 248,700। थोड़ा इसको ऐसा करता हूं, ठीक है, 248,700 आएगा, 248,700। बस इस क्वेश्चन में इतना ही था, लास्ट में टोटल कर दीजिएगा, टोटल करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि कितना इसका टोटल आया, ठीक है, डन। वो टाइम देता हूं, प्रॉब्लम लिख लीजिए पहले पहले, देखो पहले आप ये लिखो या वो लिखो दोनों चलेगा, बट आंसर के हिसाब से पहले को ये लिखना चाहिए, लेकिन सर सॉल्व तो पहले वो करना, तो क्या करने का, जलने के लिए एक डेढ़ पेज छोड़ देने का, फिर वो सॉल्व करने का, ठीक है। सो ये आपका, या फिर पहले वो भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ये आपका क्वेश्चन फाइव का आंसर है। हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन लिखना भूलना नहीं, यहाँ पे डेबिट अमाउंट साथ में लिखना है आपको, सिर्फ डेबिट या सिर्फ अमाउंट नहीं चलेगा, दो अच्छी ध्यान रखें छोटी मोटी चीजें। उसके बाद ये तुम्हारा वर्किंग नोट वाला पार्ट, ठीक है। सो यहां पे हमारा ये क्वेश्चन भी होता है खत्म, और यहां से जाने से पहले यार फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 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 सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो भी आइडल सेमेस्टर फाइव में एग्जाम देने वाले। अब मिलते हैं अगले वीडियो, और नीचे तक पढ़ते रहिए और पांडा सबको याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।